ओम शांति। हमें अपनी स्थिति को संपूर्णता की ओर ले चलना है। हम अपने इस लक्ष्य को जरा दृढ़ करें। ऐसा ना हो कि हम ज्ञान मार्ग में चल तो रहे हैं, ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन हमें अपने भविष्य का कुछ ख्याल ना हो। लक्ष्य जब दृढ़ होता है तो मनुष्य के कदम उस ओर तीव्र गति से अग्रसर होते हैं। लक्ष्यहीन जीवन मनुष्य को भटकाता है, मन को भटकाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा की तरह सूक्ष्म फरिश्ता हमें बनना है। बहुत अच्छी बात एक कुंडलियों में आ रही है कि जैसे जैसे तुम्हारी पवित्रता बढ़ती जाती है, तुम बहुत ताकतवर होते जाते हो। अब संगम युग पर शायद हम अपनी सूक्ष्म शक्तियों को नहीं भी पहचानते, पर हमारी प्योरिटी दिनों दिन बढ़ती चले, हमारे लगाव झुकाव समाप्त होते चले। जहाँ जहाँ हमारे अटैचमेंट हैं, जहाँ जहाँ हम लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ हमारे अंदर मेरापन है, वो सब समाप्त होता चले। बहुत अच्छी बात एक डीप सीक्रेसी जो मुरली में आ चुकी है कि जब तुम सभी आकर्षणों से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर अलौकिक आकर्षण बहुत बढ़ जाएगा। सारे संसार की आत्माएं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। तो जो विश्व सेवा करना चाहते हैं, जो बाबा को प्रख्यात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं हम संसार को नई राह दिखाएं, हम सभी के मन में छुपे और समाये हुए अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले बन जाएं, ताकि आत्माएं मनोविकारों से मुक्त हों, वो विकर्मों से मुक्त हों, तो वो सूक्ष्म रूप से चेक करें कहीं भी लगाव या इस संसार में आकर्षण तो नहीं रहा हुआ है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक छोटा सा उदाहरण है, अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। उस समय कितने लाखों की संपत्ति उन्होंने स्वाहा कर दी, लेकिन जो उनके साथ रहे या जो उनके पुरुषार्थ को सूक्ष्म रूप से जानते हैं, वो ये समझते हैं कि बाबा को कभी ये संकल्प भी नहीं हुआ कि मेरा धन यज्ञ में लगा है, मेरे धन से इतनी आत्माओं की पालना हो रही है, मेरे धन से ये यज्ञ चा गया है। कोई फीलिंग नहीं, मेरा कहाँ से आया, सब बाबा का था, उसने ही दिया था, उसके ही कार्य में लग गया। मैं न होता कोई और होता। संसार का खेल ही ऐसे चलता है। तो सभी अपने सूक्ष्म आकर्षणों को चेक करें। देह की ओर आकर्षण है, किसी विशेष व्यक्ति की ओर आकर्षण है, किसी खान पान की चीज की ओर आकर्षण है, किसी ज्वेलरी की ओर आकर्षण है, किसी मान सम्मान की ओर आकर्षण है, किसी बच्चे में बहुत आकर्षण है, किसी की विशेषताओं के प्रति बहुत आकर्षण है। मान सम्मान भी मनुष्य को बहुत आकर्षित करता है। यद्यपि मान मिलना सौभाग्य की बात है, मान महान आत्माओं को ही मिला करता है। जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं मान उन्हें ही मिलेगा। मान मिलना सर्वश्रेष्ठ चीज है, बुरा नहीं, लेकिन मान अधिकार से प्राप्त करें। मान को प्राप्त कर उसे प्रभु अर्पण कर दें, ताकि इस मान सम्मान की इस दलदल में आत्मा उलझ न जाए, फंस न जाए, इसमें आकर्षित न हो जाए कि वो सब कुछ फिर मान सम्मान के लिए ही करने लगे। जहाँ मान मिले वहीं सेवा करें, इससे सेवा भाव समाप्त हो जाता है। तो आज अपने सूक्ष्म आकर्षणों पर ध्यान दें। केवल एक में आकर्षण, वही सबसे ज्यादा सुंदर है, वही सबसे ज्यादा गुणवान है, वही सबसे ज्यादा संपत्तिवान है, वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। उसकी ओर आकर्षित होंगे तो हम भी उस जैसे बन जाएंगे। तो डिटेच करें अपने को, और आज सारा दिन हर घंटे में बाबा के उस मोस्ट ब्यूटीफुल और डिवाइन स्वरूप को देखने की प्रैक्टिस करें। बस हम उसे देख रहे हैं, उसकी सुंदरता को निहार रहे हैं,
उसके वाइब्रेशंस में कितना आकर्षण है इसको फील करें और उसकी किरणें ग्रहण करते रहें तो बहुत सुखद अनुभूति होगी। ओम शांति।